नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। आज आप लोग ये खाद्य सामग्री जो है ये किस लिए वितरण कर रहे हैं? ये जो कोरोना वायरस हुआ है इसका कारण आदमी सब घर से निकल नहीं पा रहा है और हम लोग काटपुल का इधर जो हम लोग कंटिन्यू बोलते आ रहे हैं कि ये उल्टी शिल्पांचल का जो है काटपुल का इधर है एकदम ड्राई, बराबर इसका ड्राई ड्राई इसका सब साइड से वंचित है। तो इसीलिए हम लोग इधर के लिए इधर कुछ दोस्त आदमी के लिए यहाँ जाके ये किसके जरिए बांटा जा रहा है? ये हम लोग का तरुण संघ क्लब का तरफ से ही हम लोग बांट रहे हैं और ये हम लोग कंटिन्यू 3-4 दिन से करते ही आ रहे हैं। तो आज मोटा मोटी देखे इधर जैसे तकलीफ ज़्यादा है तो इसीलिए आज मोटा मोटी 100-150 पैकेट आज हम लोग रेडी किया है। चाल है, आलू है, नमक है, साबुन है। लॉकडाउन से कुछ आपको फायदा नजर आ रहा है या नुकसान दिख रहा है? देखिए लॉकडाउन अगर प्रॉपरली हो तो ठीक ठाक चले तब तो ठीक है, अगर इसका बीच में भी ये लोग अगर गलत इस्तेमाल करें तब तो बेकार हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि अभी तो लॉकडाउन सुनने में आ रहा है कि और कुछ दिन बढ़ेगा। एकदम बढ़ना चाहिए जिस तो देश का जैसे हाल है उस समय भी क्या आप लोग इसी तरह से चावल और जो सामग्री खाद्य सामग्री जो है हम लोग देखिए बराबर करते आ रहे और हम लोग आगे भी हम लोग करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है देव नारायण घोष, हम तरुण संघ का संपादक है और हम लोग तरुण संघ का तरफ से हम लोग ये बोलने चाह रहे हैं कि हम लोग जो सर्वमंगला माँ मंदिर हम लोग का 61 साल का ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये हम लोग का ओरिजिनल माँ का मूर्ति है। काली पूजा का टाइम में कार्तिक पूजा महीने में जो पूजा होता है हम लोग का पूजा होता है और माँ का बस हम लोग आशीर्वाद मांग रहे हैं सब लोग। हम लोग डेली प्रार्थना करते हैं कि सारा विश्व ठीक ठाक हो जाए, हमारा भारतवासी, हमारा पश्चिमवासी तथा हमारा कुल्टीवासी एवं हमारा शत्रु मित्र बंधु सब ठीक ठाक रहे और कुल्टी स्वाभाविक जीवन यात्रा में। इस लॉकडाउन पे आप कुल्टीवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे लॉकडाउन जेटा चलछे तो सारा विश्वर एक ही रेजल्ट और हमारे भारतवर्षेও लॉकडाउन चलछे, हमारे कुल्टीতেও লকডাউন চলছে। সবার কাছে একটাই আমার রিকোয়েস্ট, আমার অনুরোধ, ছোট বড় সব নির্বিশেষে আপনারা বাড়িতে থাকুন, সেফ থাকুন আর যেটুকু বেরোচ্ছেন ডিস্টেন্স মেনটেন করুন। একটা ডিস্টেন্স মেনটেন করার ভেতরে নিশ্চয়ই ভালো দিক আছে, সায়েন্টিফিক দিক থেকে অন্য সব দিক থেকেই মানুষের ডিস্টেন্স মেনটেন করা উচিত আর ঘর থেকে যত না বেরোয় ততই ভালো। আর সামাজিক যেসব সংস্থা রয়েছে সবাই তো এগিয়ে আসছে, ঘর থেকে যতটা প্রয়োজন অদরকারে অযথার বেরিয়ে প্রশাসন বা নিজেদের ভেতরে ডিস্টার্ব করার কোনো মানে হয় না, সবাই ঘরে থাকুন, এটাই আমাদের তরফ থেকে বার্তা। ধন্যবাদ। ইস লকডাউন পে আপ কুল্টিবাসীকে কে মেসেজ দেনা চাতে কে সন্দেশ দেঙ্গে? এই কি সব মে ঘর মে রহে আর জব তক ইয়ে নেই হতা তব তক ঘর মেই আরাম সে সুরক্ষিত রহে। और जैसे लॉकडाउन और अगर ज़्यादा दिन का रहा तो उस परिस्थिति में आप लोग क्या करेंगे? यहाँ कुल्टी के जितने भी वासी हैं जो नीडी फैमिली से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए आप क्या करेंगे? उन लोगों के लिए जितना हो सके हम लोग का अपना क्लब की तरफ से कोऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे और यही कहेंगे जब तक लॉकडाउन रहेंगे सब सुरक्षित अपने। आपका नाम क्या हुआ? तुलसीचरण मंडल। धन्यवाद।